अपने एक दिवसीय प्रवास पर न्यायधानी बिलासपुर पहुंची राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हेलीपैड पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रपति ने रतनपुर स्थित महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर पहुंचकर जीजीयू के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने 28 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि और 76 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए। दियो और सज्जनों, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 16 जून 1983 को हुआ था और 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपने अपने कठोर परिश्रम, मेधा और अनुशासन के बल पर स्वयं को उपाधि और स्वर्ण पदकों के हेतु योग्य सिद्ध किया है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर हमेशा से ज्ञान का प्रकाश स्तंभ रहा है। इस सम्मानित संस्थान द्वारा दी गई शिक्षा और मूल्यों से लैस होकर जब आप दुनिया में कदम रखते हैं तो मुझे इसमें संदेह नहीं कि आप समाज और छत्तीसगढ़ के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारे यह प्रदेश अपार संभावनाओं और असीम अवसरों की भूमि है। छत्तीसगढ़ के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसके प्राचीन इतिहास हम सभी को गौरव से भर देता है। हमारे यहाँ प्रचुर संसाधन, समृद्ध जैव विविधता, सघन वन, सुंदर प्रकृति, सुंदर जनजीवन और उत्कृष्ट मानवीय मूल्य, ये सब हमारे पुरखों के आशीर्वाद के रूप में हमें मिले हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें सहजें, सवारें और अपनी इस धरती को समृद्ध बनाएं। शिक्षा और नवाचार ही छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार भी बहुत बड़ा अवसर रीपा के। तो आदरणीय साथियों, आप सबको एक और बात, जो बेरोजगारी भत्ता भी प्रतिमाह देने की शुरुआत की है, तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाएं। हम सब के योगदान उसमें अपनी भूमिका सबकी होनी चाहिए और इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। साथ ही गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं, जिन्होंने सत्य का रास्ता दिखाया और जिन्होंने मनखे मनखे एक समान का पूरे मानवता को संदेश दिया। इस अवसर पर विशेष रूप से उसे नमन करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उनके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूं। विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देने के लिए प्राध्यापकों तथा विश्वविद्यालय के टीम के सदस्यों की मैं सराहना करती हूं। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 76 विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या 45 है, जो लगभग 60% है। ये प्रदर्शन दृष्टि से और भी अधिक प्रभावित हो रही है कि कुल विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 43% है। छात्राओं के बेहतर प्रदर्शन के पीछे उनकी अपनी प्रतिभा और लगन के साथ साथ उनके परिवारजनों तथा इस विश्वविद्यालय की टीम का योगदान भी है। मैं छात्राओं की स्वर्णिम सफलता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के इस परिवर्तनकारी अभियान में
सबका सहयोग और अधिक होना चाहिए ताकि छात्राओं की कुल संख्या भी छात्र के बराबर हो सके। ऐसी अपेक्षा में इसलिए भी व्यक्त कर रही हूं कि हमारे देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है तथा हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मापदंड की स्थापना होनी चाहिए। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ समाज सेवा के कार्य में आशा करती हूं कि ऐसे कार्यक्रम के अच्छे परिणाम सामने आएंगे और विश्वविद्यालय द्वारा उनकी जानकारी भी दी जाएगी। आपके विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग की काफी बड़ी संख्या है। राज्य की लगभग एक तिहाई आबादी जनजातीय समुदाय की है। जनजातीय समुदाय की समृद्धि संस्कृतियों के से प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, सामुदायिक जीवन में समानता का भाव तथा महिलाओं की भागीदारी जैसे जीवन मूल्यों को सीखा जा सकता है। इस विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के प्रभावशाली योगदान दिया जा रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की टीम की सराहना करती हूँ।